इस मिस्सा बलिदान में जो प्रत्येक क्षण यीशु ख्रीस्त के यरूशलेम नगरी प्रवेश करने को स्मरण करते हैं। पहला तो जुलूस
हर साल हम एक खजूर ईदगाह का जुलूस निकालते हैं, हाथ में खजूर लेते हैं, खजूर की डालियां लेते हैं, प्रभु को होशा। जब प्रभु यरूशलेम में आ रहा तब लोगों ने कपड़े उतारे, लोग को डालियां मिलते थे, वो रास्ते पे लगाए थे, हाथ में गुलाब गुलाब के चल रहे थे। मतलब क्या था? मतलब ये था कि हमारा जो सब कुछ है प्रभु के अधीन है, हमारा कुछ नहीं है, हम ये प्रभु राजा की सेवा करते हैं। इसलिए जब हम जुलूस निकालते हैं, हजूर की डालियां लेके जाते हैं, ये हजूर की डाली सिर्फ एक चिन्ह है कि हम हरेक जन प्रभु यीशु को बोलते हैं, हम तुम्हारे हैं, आप हमारा। लेकिन किस तरह का राजा है कि आज भूख भोग में हमें गधे पे बैठ के आ जाता है, घोड़े पे नहीं। और आज के पाठ में हमें बताएगा जो अधिकार लेना चाहता है वो अधिकार सेवा के द्वारा नहीं होता है। कलीसिया में राज चलाने का अधिकार नहीं होता है, कलीसिया में वो ही अधिकार होता है लोगों की सेवा का। और सबसे बड़ा सिंहासन ये होता है जो सिंहासन से हम लोग सेवा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाता है, हर बार उसे पूछा जाता है, आप राजा हैं, और बार बार वो ही जवाब देता, हाँ मैं राजा हूं। लेकिन जिस तरह के राजा की बात आप सुनते हैं उस तरह का राजा नहीं, मैं ऐसा राजा हूं कि मेरे लोगों की सेवा करता हूं, ऐसा राजा हूं कि मेरे लोगों के लिए मेरी जीवन समर्पण के लिए तैयार। और वहीं से हम दूसरे लोगों के संपर्क देखते हैं। देखिए पेत्रुस प्रभु से सबसे नजदीक प्रेरित था, प्रभु से बहुत प्यार करता था, लेकिन इतना डरता है जब उससे पूछते हैं, इसको जानते हैं, मैं नहीं जानता, कमजोर आते हैं, बड़ी जवान थी, बड़ा होता था, लेकिन डर के सामने खड़ा होता है, पूरा बिगड़ जाता है। मेरे प्यार भाई और बहनों, हम भी इतना ही प्यार करूंगा, कितना भी उत्साह हो पा रहे हैं, कभी कभी हम भी कमजोर होते हैं। एक दिन काजू की डालियां लेके दूसरे दिन हम उसको जानते हैं। और आजकल हमारे सारे दर्द जीने के लिए काफी मुश्किल होती जा रहा है। उस समय में क्या हमें साहस है, धीरज है प्रभु के साथ रहना? ये आज का सबसे बड़ा दूसरे लोग एरोस प्रभु के चेले नहीं थे। एरोड को प्रभु के इंतजार था, उसको देखने चाहता था, लेकिन जब मौका मिला तब प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। पिलातुस उसको छोड़ने चाहता था, जब उस पर दबाव आया तो
उसके दबाव में प्रभु को प्राण है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र सप्ताह शुरू करते समय हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रभु यीशु, किस टाइप के, किस तरह के ईसाई बनने चाहिए। साहस वाले, धीरज वाले, वो डरने वाले, किस तरह के अधिकार चाहे परिवारों में चाहे कलीसिया में अपने हाथों में लेने चाहिए। तलाश करने वाले, दूसरों को तकलीफ देने वाले या दूसरों की सेवा वाले। और जब हमने साहस होती भी है, उत्साह होती भी है, हम पेट्रोस जैसे भी हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। लेकिन पेट्रोस क्या करता है, एक बार अपनी गलती उसको पता होती है, फूट फूट करके रो रहे प्रभु से बात होता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दुखों का सप्ताह मना रहे हैं, उसमें हम प्रभु से कि हमारे दिलों में उसका प्यार ना बढ़ जाए, कि हम प्रभु में डटे रहें, प्रभु में विश्वास रखें और प्रभु जैसे छोटे बनके दूसरों की सेवा करें। Thank you.
जैसे तुमने अपने विश्वास प्राप्त करने की आशा में दी है, ऐसे ही तुमने मूलता के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचा। प्रभु आप